नमस्कार, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम समय में बनने वाली स्वादिष्ट मिठाई जिसका नाम है मशहूर पाक। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मैंने एक कटोरी बेसन ली है और एक कटोरी चीनी ली है, ये इलायची पाउडर और ये सजाने के लिए पिस्ता लिया है। इधर मैंने चाशनी के लिए ये फ्राई पैन रख दिया है, जो फ्राई पैन में ही बनानी है चाशनी। तो ये एक कटोरी पानी, एक कटोरी चीनी, इसकी हमें चाशनी बनानी है। चीनी को अच्छे से पिघलाना है इसमें। इधर मैंने ऑयल और घी, आधा ऑयल आधा घी रख दिया है गर्म होने के लिए। और ये एक कटोरी जितनी हमने बेसन लिया है उतना ही है, दोनों को मिला के एक कटोरी है। आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हो, रिफाइन ऑयल होना चाहिए अच्छा वाला, और या घी में भी बना सकते हो, या फिर दोनों चीज़ आधी आधी लेके भी बना सकते हो। अब हमें इसकी चाशनी बनानी है और इसको अच्छे से, चाशनी हमें कोई तार की नहीं बनानी है, चाशनी हमें बस चिपचिपी हो जाए इस तरह की चाशनी बनानी है इसमें। अब हम चाशनी को चेक करते हैं, ये देखिए उंगलियां चिपकने लग गई, इसका मतलब हमारी चाशनी बन गई है। हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस ऐसी ही चाहिए। अब डालते हैं बेसन, थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करेंगे इसमें, और ध्यान रहे इसमें लम्स ना हो जाए, अगर लम्स हो भी जाए तो गैस को ऑफ करके अच्छे से मिक्स करना है इसको। अच्छे से मिक्स होने के बाद गैस ऑन करना है फिर से। ये देखिए बेसन अच्छे से चाशनी में मिक्स हो चुका है, एक भी लम्स नहीं है इसमें। इसी तरह से मिक्स करना है हमें अच्छे से। और इधर हमारा घी गर्म हो गया है, अगर ठंडा हो तो गैस को थोड़ा तेज़ कर दीजिए, ज़्यादा गर्म ही चाहिए हमें घी भी। गर्म होने के बाद में गैस को लो कर देना है हमें, बेसन वाली गैस को भी लो ही रखना है। और थोड़ा हाथ को हमें जल्दी जल्दी चला के पकाना है इसको। अब चमचे से इस तरह से हम घी लेंगे और बेसन में डालेंगे और अच्छे से हिलाएंगे चारों तरफ से। घी इसमें अच्छे तरह से मिल जाए फिर से हमें डालना है। ये देखिए इस तरह से हमें डालना है। देखिए घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है इसमें, और इसके बाद में फिर से हमें वैसे ही डालना है। इस तरह से इसको फ्राई करते जाना है हमें, तेल डाल, घी जो भी हम यूज़ ले रहे हैं, घी ये तेल वो डाल डाल के फ्राई करना है। ये देखिए इसी तरह से हमें इसको रोस्ट करना है और चारों तरफ से अच्छे से सिकाई करनी है इसकी। इसी तरह से हमें इसमें घी डालना है और इसमें लगभग 10 से 15 मिनट लग जाती है इस तरह से। हाथ हमें थोड़ा जल्दी जल्दी ही चलाना है।
फिर चारों तरफ किनारों के चारों तरफ चिपक के उसको भी छुड़ाते हुए सिकाई करनी है हमें। और इस तरह से हमारा सारा घी जो हमने लिया था वो पूरा इसमें लग जाएगा। ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुकी है हमें रोस्ट करते हुए और हमारा बेसन इकट्ठा होने लग गया है और ये हल्की हल्की सी दाने से जाली सी होने लग गई इसमें। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड करते हैं और ये थोड़ा सा मैंने चुटकी भर बेकिंग पाउडर लिया है जो इसको टाइट नहीं होने देगा, ये सॉफ्ट रखेगा अंदर से, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और इसको अच्छे से मिक्स करके हमें निकालना है। अब मैंने ये टिन लिया है, इसमें घी ग्रीस कर लिया है, मैं इसमें निकालूंगी। आप किसी भी बर्तन में निकाल सकते हो इसको, मेरे पास ये है तो मैं इसमें निकाल रही हूँ। इसको अच्छे से निकाल के सेट करना है हमें, हल्के हाथ से प्रेस करना है हमें, ज़्यादा टाइट नहीं दबाना है नहीं तो इसमें जाली नहीं पड़ेगी। अब इस पर थोड़ा सा पिस्ता से गार्निश कर देते हैं। हल्के हाथ से ही दबाना है इसको सेट करने के लिए। इस तरह से अच्छे से सेट करके अब इस पे हम कट लगा देंगे क्योंकि ये जल्दी सेट होता है, बाद में इस पर कट नहीं लगेगी, इसलिए पहले हम हल्की हल्की कट लगाएंगे, पूरी नीचे तक कट नहीं लगाएंगे, ऊपर हल्की हल्की कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगा के अब हम इसको जल्दी से पैक कर देंगे ताकि इसकी हीट इसके अंदर ही बनी रहे तो ये अंदर से अच्छे से ब्राउन हो जाए। इस तरह से इसका ढक्कन लगा के किसी टॉवल से या और कोई मोटा कपड़े लेके इसको अच्छे से पैक करके, और हमें ठंड में नहीं रखना है इसको, गर्म जगह पे रखना है, फ्रिज व्रिज में नहीं रखना है, और हमें इसको 1 घंटे के लिए रखना है। देखिए 1 घंटा हो चुका है, अब हमारी टिन को ओपन करते हैं, देखते हैं कैसा बना है। ये देखिए इस तरह से इस पर ब्राउन कलर आ चुका है और इसको अब कट करके हम निकालते हैं प्लेट में। मैंने इसकी पीसेस निकाली है और हमारा मसूर पाक बनके तैयार है। आप देख सकते हो इसमें अच्छे से ब्राउन कलर आया है अंदर से और बाहर से भी। अगर आपको कम समय में स्वादिष्ट मिठाई बनानी है तो इसको ट्राई कर सकते हो, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसको 10-15 दिन के लिए हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप सब भी घर पे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये मिठाई कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए।